नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो हल्दी का पेड़ होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, ये तो आप पत्तियाँ देख रहे हैं, पत्तियाँ जो हैं हल्दी की ऐसी होती हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसका पेड़ निकाला है। काफ़ी लोग दुकान से हल्दी खरीदते हैं, मगर जो वो हल्दी जो होती है वो मशीनी हल्दी होती है, मशीन के द्वारा बनाई जाती है। आपको पता है कि हल्दी भी उगती है। तो दोस्तों, ये हल्दी है, इसका पेड़ होता है। हल्दी की जो होती है, पेड़ के नीचे गांठ होती है, ये देख सकते हैं, ये गांठ है। इस गांठ को धोने के बाद सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद इसको पीसा जाता है। पीस कर जब इसका पीस कर जब इसको उसका पाउडर बनाया जाता है, उस पाउडर से इसकी हल्दी होती है, जिसको हम सब्ज़ी में अपने स्वादिष्ट के हिसाब से सब्ज़ी को पीला करने के लिए बनाते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि हल्दी पीला ही नहीं करती, हल्दी जो है हमारे शरीर के काफ़ी रोगों को दूर करता है। अगर हमारे शरीर पर कहीं घाव है, अगर हम वहाँ पर हल्दी का लेप लगाएं तो भी ठीक हो जाता है। और अगर हम हल्दी को, इस हल्दी, कच्ची हल्दी को खा भी लें, ये एक कच्ची हल्दी होती है, इसको कच्ची हल्दी कहते हैं। इस हल्दी का अगर जैसे आप मेवा बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हल्दी जो होती है आप मेवे की तरह बना सकते हैं, और इसको रोज़ एक दो चम्मच खा सकते हैं, कच्ची हल्दी को। इससे आपके शरीर की जितने भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक कुदरत और प्राकृतिक वनस्पति है, हल्दी जो होती है। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये हल्दी का पेड़ है और ये हल्दी की गांठ है। इस पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, इन पत्तियों को फेंक देते हैं। तो जैसे अगर आपके पास गांठ पड़ी है, तो आपने क्या करना है, उसको ऐसे करना है, किसी लकड़ी या किसी उसे रौंद कर उसको ऐसे गांठ को दबाना है। अगर आपने गांव से कहीं से भी हल्दी लाते हैं देसी, इसके लिए ये नहीं है कि ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी होती है। हल्दी के लिए कोई जगह, ज़मीन, वैसी ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ही वो हल्दी। अगर आप लगाना चाहते हो तो हल्दी आप गमले में भी उगा सकते हैं, और उगा कर आप कच्ची हल्दी का सेवन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये देखो, आपको ये गांठ दिख रही है, ये जो गांठ है ये भी हल्दी की गांठ है। देखो आप, और ये इसमें हल्दी निकलेगी। अभी अभी बरसात का मौसम है, तो ये गर्मियों में उखाड़ी जाती है। वैसे ये 2-3 साल में होती है एक बार। जितनी पुरानी हल्दी होती है उतनी ही अच्छी होती है। ये देखो आप, ये देख रहे हैं आप, पेड़ दिख रहा है आपको, और ये गांठ दिख रही है, ये जो गांठ है ये हल्दी की गांठ है। इससे जो हल्दी, इससे हल्दी बनती है, इसको कच्चा हम खाते हैं। एक तो पाउडर से बनाकर खाते हैं, उसको हम सब्ज़ी में मिलाते हैं, और कच्ची हल्दी जो खाना होता है बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही बीमारियों को दूर करने वाली एक ये प्राकृतिक औषधि है। दोस्तों, ये हल्दी जो होती है हमारी, ये नहीं है कि ये किसी काम की नहीं, हल्दी में बहुत गुण होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो हल्दी बीजी गई है, ये सारी हल्दी के पेड़ दिख रहे हैं, जितने भी पेड़ हैं आपको। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ आपको जो जानकारी दी है वो आपके काम की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही औरों को भी बताएं हल्दी कैसे हम उगाते हैं और कैसे हम इसका जो है बीजते हैं, और कैसे हम इसकी कच्ची हल्दी का सेवन करते हैं। सेवन करने के लिए कुछ नहीं, आपको गांठ को धोना है, धोकर सुखाना है, और उसको आप दराती से भी काट सकते हो। तो इससे आप ऐसे हल्दी का सेवन कर सकते हैं, और काफ़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।